Our hearts beat to the city streets. We begin to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us. Hello everyone, welcome back to my channel Sneham Vlogs. And now this vlog is so much awaited because the wait is over now. Summer vacations are announced, तो हम लोग जा रहे हैं इंडिया और आज हमारी फ्लाइट है इंडिया के लिए. तो हम लोग निकलेंगे यहाँ घर से लगभग 4:30 के आसपास, तो और इंडिया पहुँचेंगे रात को 3 बजे के आसपास. तो आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा, मेरे इस व्लॉग में मैं शेयर करूँगी हमारी जर्नी आप लोगों के साथ और देखते हैं कि इस जर्नी में हम लोग क्या क्या देखते हैं और कैसे जाती है हमारी ये जर्नी. और सुना है कि दिल्ली में बहुत बारिश हो रही है, तो चलो हमारे जाने से पहले मौसम में थोड़ी सी आ जाएगी राहत और हम लोगों को भी थोड़ा सा लगेगा अच्छा. So now we are waiting for the taxi to arrive. और बहुत गर्मी है बाहर, देखते हैं टैक्सी आने में कितना टाइम लगता है क्योंकि एक टैक्सी तो आके जा चुकी है, वो मिस हो गई हमारी, बुकिंग की थी हमने लेकिन हम नीचे उतरने में लेट कर दिया हमने, तो फिर वो कैंसल्ड. फाइनली हम पहुंच गए हैं दुबई एयरपोर्ट और यहां से हमने अपना लगेज लेके चेक इन करा लिया है. उसके बाद हमने ले ली थी इंटर मेट्रो जो कि हमें छोड़ती है डिपार्चर टर्मिनल की ओर. तो अब हम पहुंच गए हैं ड्यूटी फ्री एरिया में जहां पे बहुत सारे शोरूम्स होते हैं, शॉप्स होती हैं, तो अगर आपको देखना है कुछ देख सकते हैं, खरीदना है तो खरीद भी सकते हैं. और उसके बाद लेकिन हम लोग जा रहे थे लाउंज की ओर सो दैट कि हम वहाँ पे थोड़ा रेस्ट कर लें और कुछ खा पी लेते हैं. तो अब हम लोग आ गए हैं फूड कोर्ट एरिया और हम लोग क्यों नहीं गए लाउंज, ये आपको आके सुनने मिलेगा. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत सारी शॉप्स हैं, KFC है, मैकडोनल्ड्स है और भी बहुत सारी शॉप्स हैं. और इंडियन शॉप के हिसाब से अगर मैं देखूँ कि इंडियन कुछ क्यूजीन मिल जाए तो उसके लिए सिर्फ द टेस्ट ऑफ इंडिया था, तो वहाँ ही मैंने कुछ ऑर्डर कर लिया है अपने लिए और मैं आपको आगे बताऊँगी कि क्या मिला है मुझे. तो गाइज हम पहुंच गए हैं फूड कोर्ट और आज पता नहीं कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से हमें लाउंज एक्सेस नहीं हो पाया, तो कोई बात नहीं, तो हमने सोचा कि ठीक है बाहर से ही कुछ खा लेते हैं. तो अभी हमने मंगा लिया है कुछ तो मैगीज बिकॉज दे आर नॉन वेज लवर्स. देखिए ये रहा बर्गर और बाकी भी कुछ कुछ चीज़ें हैं और मैंने अपने ऑर्डर किया है वड़ा पाव, तो लेट इट कम एंड देन आई विल हैव इट. उसके बाद हम चले जाएंगे डिपार्चर के लिए, फिर हम मिलते हैं आपसे डिपार्चर एरिया में. बर्गर नहीं है ये, बर्गर के पापा हैं ये प्लस बर्गर के दादा. तुमने सॉस नहीं लगाया, तुम्हें नहीं चाहिए सॉस?
टेस्ट ऑफ इंडिया के नाम पे और ये आ गया है मेरा भी वड़ा पाव और मैं भी फटाफट खाती हूँ क्योंकि इन लोगों को खाते हुए देख के मुझे भी बहुत कुछ खाने का मन कर रहा था। और फिर मिलूंगी मैं आप लोगों से। और फाइनली हम लोग आ गए हैं डिपार्चर एरिया की ओर और वहाँ पे आके हमने अपनी सीट्स ले ली हैं और बैठे हैं यहाँ पे इंतज़ार कर रहे हैं कि कब बोर्डिंग अनाउंस होगी और कब हम जाएंगे। तो गाइस अब हो गया है बोर्डिंग का टाइम और हम लोग बोर्डिंग से निकल रहे हैं। और यहाँ पे देखिए एयर इंडिया की फ्लाइट जो है पूरी पैक होके जाने वाली है। तो हमने फ्लाइट कर ली बोर्ड लेकिन आज हमारे संग सुबह से कुछ न कुछ गड़बड़ हो रहा है। जैसे कि हमें लाउंज एक्सेस नहीं मिला, उसके बाद हमारी सीट्स भी एक साथ नहीं थी। तो खैर कोई बात नहीं, लकीली हम लोगों ने सीट एक्सचेंज कर ली और मिली थी, वो मान गई सीट एक्सचेंज करने के लिए। तो अब हम लोगों के लिए अपनी सीट और फ्लाइट टेक ऑफ। प्लीज प्लेस योर हैंड बैगेज इन द ओवरहेड बिन्स और अंडर द सीट इन फ्रंट ऑफ यू। कीप योर सीट बैक अपराइट। तो जैसे ही टेक ऑफ किया प्लेन ने, थोड़ी सी कुछ ऊंचाई पे पहुंचने के बाद जब आप विंडो से देखते हैं तो आपको बहुत ही खूबसूरत नज़ारा दिखाई देता है। ऐसा लगता है जैसे सब जगह दिवाली हो रही हो। और कैसे 3 घंटे की फ़्लाइट निकल गई पता नहीं चला और हम लोग लैंडिंग की ओर आ गए थे। हम लोगों ने मूवी देख ली थी और लकीली आज हमारा जो एयर इंडिया की जो टीवी होती है जो सामने दी होती है वो भी चल रही थी, स्क्रीन भी चल रही थी। इट वॉज अ गुड फ्लाइट ऑल टुगेदर। तो हम लोग अब पहुँच गए हैं दिल्ली। तो तुम यहाँ बैठती तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं क्योंकि समर वेकेशन स्टार्ट हो गई और 2 महीने के लिए हम दिल्ली आए हैं, इंडिया आए हैं। इट विल बी फन। तो गाइज हम लोगों ने कर लिया लैंड और अब हम लेंगे अपना बैगेज, यहाँ से लगेज ले लेंगे और उसके बाद सीधे निकलेंगे घर को क्योंकि बहुत रात हो गई है। अब मैं इसके बाद कुछ भी शूट नहीं करूँगी। तो अब मैं मिलती हूँ आपसे कल और इस ब्लॉग को मैं भी कंटिन्यू रखती हूँ। कल मॉर्निंग में या आफ्टरनून में ब्लॉग को कंप्लीट करूँगी। तो चलिए तब तक के लिए बाय और मिलेंगे हम कल। आप तो हमने फटाक से अपना इमिग्रेशन कराया और लगेज ले लिया और उसके बाद हम लोग तुरंत चले गए टैक्सी लेने के लिए और हमें बहुत फटाफट से टैक्सी मिल गई आराम से। और फिर टैक्सी लेके हम निकल गए घर की ओर। बहुत अच्छा लग रहा था अपनी सर जमी पे पहुंच के। ये भी है जब गांव में रहते हो आप कुछ भी खाओ पच जाता है फटाफट। यहाँ नहीं पचता, यहाँ नहीं पचता।
अब समझ लेंगे 24 घंटा हम लोग एक बार खाना खाते हैं। हेलो गाइस, तो हो गया नेक्स्ट डे और हम लोग घर पहुंच गए। और क्या कहते कि घर पहुंच के फिर हम लोगों ने रेस्ट किया। रेस्ट करने के बाद बिल्कुल भी मन नहीं था कि व्लॉग बनाऊं, क्योंकि पूरा सफ़र का बहुत थकान थी। तो फिर मैंने सोचा कि छोड़ो आज व्लॉग नहीं बनाते, तो फिर मैं आज ये व्लॉग को कंटिन्यू कर रही हूँ यहीं से। और अभी बन रहा है नाश्ता, मैं आपको दिखाती हूँ कि मम्मी क्या बना रही है हमारे नाश्ते के लिए। तो आज स्पेशल बन रहे हैं दाल, किसी भी दाल के पराठे, दाल के पराठे, मतलब किसी भी, यानी कि कोई दाल आप रात को पहले भिगो देते हैं, उसके बाद आपने उसको सुबह वॉश कर लेना है। वॉश करने के बाद उसे ग्राइंड कर लेना है। ग्राइंड करने के बाद उसे सॉटे कर लेना है हल्का सा, सो दैट जो उसके अंदर का मॉइस्चर है वो ख़त्म हो जाए। और उसके बाद उसको भर के बनते हैं पराठे। तो मैं आपको शो करती हूँ कि पराठे मम्मी बना रही हैं। ऐसा ना हो जब तक मैं पहुँचूँ सारे पराठे बन चुके हों। तो चलिए फटाक से चलते किचन में और देखते हैं कि पराठे बन गए कि नहीं बने और कैसे बने। तो गाइस ये देखिए मम्मी बना रही हैं पराठे, लेकिन जैसे ही मैं किचन में पहुंची तब तक दाल के पराठे हो चुके थे ख़त्म। तो देखिए स्टफिंग थी यहाँ पे और वो ख़त्म हो चुके हैं, मतलब बन चुके हैं पराठे। तो मैं आप लोगों को शो कर देती हूँ कि पराठे वो दिखते हैं ऐसे। बहुत ही यमी पराठे बने हैं और इसके साथ हम लोग लेंगे चाय और अचार। तो अब हम लोग नाश्ता कर लेते हैं और नाश्ता करने के बाद मैं आप लोगों से थोड़ी गपशप मारूंगी और फिर इस व्लॉग को करूंगी एंड। टाइमली चला जाए, अदरवाइज ये बहुत लंबा हो जाएगा और बहुत वक्त भी ले लेगा। तो फिर मिलते हैं नाश्ता करने के बाद। सॉरी गाइस, ब्रेकफास्ट के बाद मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाई, सीधे चलते हैं डिनर के लिए और वहीं पर आप लोगों से बात करती हूँ। तो हम लोग आए हैं डिनर करने के लिए, क्योंकि आज मेरी सिस्टर लोग यहाँ पर लास्ट डे हैं, फिर कल वो लोग निकल जाएंगे सुबह। तो हम लोग जाएंगे लास्ट डे उनके साथ स्पेंड कर लेते हैं और छोटा सा गेट टुगेदर करते हैं। मम्मी पापा नहीं आए क्योंकि उनको खा के खाते हैं, रात को भूल खाना चाहते हैं, क्योंकि कोई बात नहीं, हम लोग चले जाते हैं और बच्चे बच्चे इंजॉय कर लेते हैं। मैं मिलाती हूँ सबसे, फिर आ गया था हमारा यमी सा फूड। सबसे पहले हमने स्टार्टर्स में ऑर्डर किया था स्प्रिंग रोल और उसके साथ फिर हमने खाने के लिए मंगाया था दाल मखनी और पनीर बटर मसाला और उसके साथ बटर रोटीज। फिर बहुत ही यमी कॉम्बिनेशन था और मस्त हमने खाया, बहुत अच्छा फूड था। बहुत टाइम के बाद ऐसा लगा कि बहुत अच्छा खाना खा रहे हैं। और उसके बाद हम लोग घर को लौट गए। तो इस व्लॉग को मैं यहीं पर करती हूँ क्लोज, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।